हेलो एवरीवन, कुछ बच्चों की डिमांड आ रही है कि मैडम ये सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम करवा दीजिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म में। तो उन्हीं की डिमांड्स को ध्यान में रखते हुए आज ये लेक्चर बनाया जा रहा है। तो देखिए, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम फॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो सबसे पहले ये थ्योरम पढ़ने से पहले हम इस पढ़ेंगे यूनिट स्टेप फंक्शन, क्योंकि इस फंक्शन का इस थ्योरम में यूज है। तो ये फंक्शन क्या होता है हमारे पास, देखिए, यू टी माइनस ए जीरो वैन टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो लेस देन ए। वन होती है वैल्यू जब टी क्या होता है हमारा ग्रेटर देन ए, और यहाँ ए हमारा क्या होता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। ओके, तो ये आपको यूनिट स्टेप फंक्शन ऑलवेज ध्यान रखना है। क्या है, कुछ भी नहीं है, यू टी माइनस ए, टी की वैल्यू जब जीरो से ग्रेटर और लेस देन ए है तब तो क्या होगा जीरो, और टी जब ग्रेटर देन ए है तब क्या होगा वन। अब हम देखते हैं सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। देखिए, अभी हमने वो यूनिट स्टेप फंक्शन पढ़ा था, तो देखिए अब मैंने सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम का स्टेटमेंट हमने लिखा है, इसी में हम उसको यूज करेंगे। ये स्टेटमेंट कई बार आपको एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है, स्टेट एंड प्रूफ सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम फॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो आपको ये स्टेटमेंट याद भी होना चाहिए और कई बार स्टेटमेंट से भी पूछ सकते हैं। इफ एफ टी इज ए फंक्शन ऑफ टी फॉर टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हूज लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ एस एग्जिस्ट, कोई फंक्शन है जो ग्रेटर देन जीरो है टी हमारा, उसका लाप्लास एग्जिस्ट करेगा फॉर एनी कॉन्स्टेंट ए ग्रेटर देन जीरो, देन वही यूनिट फंक्शन वाला आ गया जी टी इक्वल टू एफ टी माइनस ए यू टी माइनस जीरो, कब होगा टी लेस देन ए, और इफ टी ग्रेटर देन ए एफ टी माइनस ए। मीन्स हम यहाँ पर ये शो करेंगे, कहने का मतलब है कि यहाँ हम क्या शो कर देंगे, लाप्लास ऑफ एफ टी माइनस ए यू टी माइनस ए किसके इक्वल होगा टी माइनस ए एस एफ एस, हम इसको शो करेंगे। तो आपको ये भी याद रखना ऑलवेज ये रिजल्ट, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, यूजिंग डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ये मुझे फंक्शन की तो नीड पड़ेगी, देखिए ये वैल्यू की हमें नीड पड़ेगी, तो ये लिखा रहते देते हैं साइड में। देखिए लाप्लास की डेफिनेशन क्या होती है हमारे पास, सबसे पहले जीरो टू इंफिनिटी टी माइनस एस टी एफ टी डी टी, ये हमारे पास क्या होती है लाप्लास की डेफिनेशन। हमें फंक्शन दे रखा था जी टी जीरो टू इन्फिनिटी होगा अब देखिए आप इसको ब्रेक डाउन करेंगे, ए हमारे पास है तो किस तरह से करेंगे जीरो टू ए ए टू इन्फिनिटी, अब देखिए जब हमारा t लेस देन a है तब वैल्यू क्या है हमारे पास जीरो, और जब हमारा a क्या है ग्रेटर देन जीरो तब वैल्यू दिस वन, तो इसके इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी जीरो, क्योंकि जीरो टू a, तो लेस देन a वाला केस लेंगे, और ग्रेटर देन में क्या होगा a टू इन्फिनिटी, तो यहाँ फंक्शन हमारे पास गिवन है, तो ये हमारे पास इंटीग्रल क्या होगा जीरो, हमें सिर्फ एक इंटीग्रल को सॉल्व करना है। तो देखिए क्या होगा, ए टू इन्फिनिटी एफ टी माइनस ए ई की पावर माइनस एस टी डी टी। ओके, टी माइनस ए को हम पुट कर देते हैं, कुछ भी वेरिएबल हम यू करेंगे क्योंकि यू की फॉर्म में है, डी टी इक्वल्स टू डी, अगर टी ए है तो यू भी क्या होगा हमारा जीरो, ये क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, ठीक है ना। नाउ यहाँ क्या होगा एफ यू टी की पावर माइनस एस, यहाँ से टी की वैल्यू निकालोगे क्या आएगा ए प्लस यू डी यू। नाउ यहाँ से देखिए ई की पावर माइनस एस से बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा ई की पावर माइनस एस यू एफ यू डी यू, अगेन आ गया हमारे पास लाप्लास के फॉर्म में, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं
इक्वल्स टू, हमारे पास क्या आ जाएगा e माइनस ऐसे, ये क्या हो जाएगा एफ एक्स। तो यही मैंने आपको शुरू में कहा था, हमें यही क्या करना था, प्रूफ करना था। तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये एल, जो भी हमारे पास फंक्शन था इधर क्या था हमारे पास एल जी टी माइनस यू एल जी टी, तो हमने पुट कर दिया था, वो वैल्यू यहाँ पे भी पुट कर देंगे।